हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। आगे बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कि रिएक्शंस को बोला जाएगा कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का है। तो एट फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। जब आपको इस तरह से रिएक्शन में बोला जाएगा कि ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन को क्यों स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा इस तरह से समझो कि अगर मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे हमने पढ़ा था, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या कि वो ऑप्टिकल भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। तो किसी अगर मान लेते हैं कि प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर, मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर डिपेंड करने लगे रिएक्टेंट के स्टीरियो स्ट्रक्चर पे, यानी कि उसका स्टीरियो स्ट्रक्चर कैसा है, स्टीरियो स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि मान लो कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का सिस आइसोमर लिए और उसके साथ हमने एक रिएजेंट डाला और उसी मॉलिक्यूल का हमने ट्रांस आइसोमर लिया और उसमें सेम रिएजेंट डाला, ठीक है, तो हमने देखा कि क्या प्रोडक्ट में कोई चेंज आया नहीं आया। अगर प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर बदल जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे उस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि अगर किसी प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर रिएक्टेंट के स्टीरियो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करने लगे तब वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसी को डिफाइन कर रखा है। अब जैसे कि SN2 और SN1 हमने पढ़ रखा है, SN1 एंड SN2 दोनों स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, वो कैसे, देखो ध्यान से। ऐसे मान लो कि ये हमने यहाँ पे एक कायरल सेंटर लिया, ठीक है, तो कायरल सेंटर ले लिया, तो कायरल सेंटर मतलब क्या है कि स्टीरियो आइसोमर है। अब ये अगर ये Cl माइनस, ठीक है, अगर मान लो कि लेफ्ट साइड होता ये D, अगर मान लो राइट साइड होता, तो इन्वर्जन होने के बाद क्या होता कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जस्ट इसका अपोजिट होता, तो मतलब ये कि जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर पे। कैसे, अगर Cl यहाँ पे लेफ्ट में होता, ठीक है, तो OH उसमें किधर होता, राइट में होता। अगर Cl इधर राइट में है तो OH इसमें किस में है, लेफ्ट में है। तो प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर डिपेंड कर रहा है किसके, रिएक्टेंट के स्टीरियो नेचर पे, इसलिए कह रहे हैं SN2 जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होता है। अब SN1 में देखो, मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसका हमने दो प्रोडक्ट बनाए, SN1 में पढ़ा था हमने, एक को रिटेंशन कहते हैं और एक को इन्वर्जन कहते हैं। लिविंग ग्रुप वेज पे है, अगर न्यूक्लियोफाइल पे वेज पे होगा तो रिटेंशन बोलेंगे, मतलब ये रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब ये सोचो रिटेंशन और इन्वर्जन में रिटेंशन थोड़ा कम बनता है और इन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो मतलब ये कि इन्वर्जन अगर ज़्यादा बन गया, रिटेंशन अगर मान लेते हैं कम हो गया, उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका इसका स्टीरियो नेचर, अगर मान लेते हैं लिविंग ग्रुप डैश पे होता तो रिटेंशन जो होता डैश वाला वो कम बनता, लेकिन लिविंग ग्रुप वेज पे है तो रिटेंशन वाला अभी क्या बन रहा है, कम बन रहा है, मतलब ये कम बन रहा है। तो इसका जो तुम्हारा बोल सकते हैं कि नेचर है वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड कर रहा है, अगर ये चेंज होता तो ये भी चेंज होता और इसका अमाउंट भी चेंज होता। ठीक है, तो मतलब अगर इसका नेचर डिपेंड करने लगे किस पे, रिएक्टेंट पे, ठीक है, तो हम कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। इसलिए SN1 और SN2 को हम स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का कहते हैं। उसी तरह से एक यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये हमने यहाँ पे ट्रांस आइसोमर लिया हुआ, ट्रांस टू ब्यूटीन, और यहां पे हमने लिया सिस टू ब्यूटीन। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांस टू ब्यूटीन और ये हो गया आपका सिस टू ब्यूटीन। ठीक है, अब देखो दोनों में सेम रिएजेंट, एक्चुअली ब्यूटीन का ही दो, ब्यूटीन मॉलिक्यूल का दो स्ट्रक्चर, एक ट्रांस हमने बनाया और एक सिस बनाया, और दोनों में देखो सेम रिएजेंट डाल रहे हैं। यहां भी हमने Br2CCl4 डाला, यहां भी हमने Br2CCl4 डाला। तो देखो प्रोडक्ट जो है एक बार यहां पर ये बना और एक बार प्रोडक्ट यहां पर ये बना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब ट्रांस लिए और ये रिएजेंट लिए तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये मेजोमर हो गया। ठीक है, और जब हमने सिस में यही सेम रिएजेंट डाला तो दो मॉलिक्यूल बन गया, ये दोनों मॉलिक्यूल। अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का क्या है, इनैंशियोमर, दोनों इक्वल परसेंटेज में बना, मतलब दोनों मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ सोचो कि जब हमने सिस में डाला ये सेम रिएजेंट, ठीक है, तो बन गया रेसिमिक मिक्सचर, और जब हमने ट्रांस में वही सेम रिएजेंट डाला तो बन गया मेसोमर। मतलब ये कि जो प्रोडक्ट का स्टीरियो नेचर है वो इस रिएजेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों रिएक्टेंट पे, इस पे डिपेंड किया और इस पे डिपेंड किया। तो जब दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करने लगेगा, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का स्टीरियो स्ट्रक्चर, तब हम कहते हैं रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या,
कि जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टीरियो स्ट्रक्चर डिपेंड करने लगे रिएक्टेंट के स्टीरियो नेचर पे, तब वैसे रिएक्शन को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की बात करते हैं। सपोज एक रिएक्शन हुआ जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है और वो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स में ठीक है दे में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ठीक है और दे कैन बी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अगर मान लेते हैं कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है और सभी एक दूसरे का क्या है स्टीरियो आइसोमर्स, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर कोई एक अगर मान लो कि प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाए किसी दूसरे पर ठीक है, मतलब मान लो कि एक रिएक्शन हुआ उसमें दो प्रोडक्ट बन गया, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का क्या है स्टीरियो आइसोमर ठीक है, और उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बन रहा है देन अदर प्रोडक्ट, तो वैसे केसेस में रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हमने एक एग्जांपल लिखा है ठीक है एस एन वन रिएक्शन का। सपोज ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ एस एन वन होना है, तो पहले क्या होगा लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो उसका दो पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियोफाइल जाके वेज पे चला जाएगा और बैक साइड से अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला जाएगा डैश पे चला जाएगा, दो प्रोडक्ट बना दिया, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। एस एन वन में हमने पढ़ा था कि इन्वर्जन प्रोडक्ट 5 से 20% ज़्यादा बनता है देन रिटेंशन, तो देखो यहाँ दो स्टीरियो आइसोमर बना ठीक है, और दोनों स्टीरियो आइसोमर में एक जो है वो कुछ ज़्यादा बन गया देन रिटेंशन, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि जो आपका रिएक्शन है वो कैसा नेचर का हो जाएगा स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे यहाँ तो हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स का एग्जांपल लिया ठीक है, स्टीरियो आइसोमर में दोनों हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, तो या तो हमने ऑप्टिकल का एग्जांपल लिया, इसको आप पहले लिख लो उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल का एक एग्जांपल यहाँ पे शो कर लेंगे और यहाँ से हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एस एन वन रिएक्शन होता है वो क्या होता है स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का होता है। यानी एस एन वन के बारे में हमने क्या देखा स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का तो उसका भी अभी एक एग्जांपल अभी हम यहां पे करके चेक कर लेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर रखा है, यहां पे ये जो सीएल है ये लिविंग ग्रुप है ये निकल रहा है ठीक है, और हमने को यहां पे बेस ले रखा है। ठीक है, सपोज मान लो कि वो बेस मान लो कि OH माइनस है। ठीक है, अब ये वो बेस है तो इसको क्या चाहिए प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, तो अब देखो प्रोटॉन जो है हमने क्या कहा था कि इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में दोनों कार्बन क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन, इसका भी एच एलिमिनेट हो सकता है और इसका भी एच यहाँ से निकल सकता है। तो अगर एच ए निकलेगा तो एच ए निकला सी एल निकला तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो हमने वहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, और अगर एच बी निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा इनके बीच में आ जाएगा, तो मतलब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो अगर एच ए एलिमिनेट हो रहा होगा ठीक है, तो एच ए एलिमिनेट होगा और यहाँ से सी एल बाहर निकल रहा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेकेंड वाले कार्बन पर आ गया, और अगर यहाँ से एच बी और सी एल एलिमेंट हो रहा होगा तो फर्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो इस ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, तो चूंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है तो उसका दो पॉसिबिलिटी सिस भी हमने बना दिया और ट्रांस भी बना दिया, और यहाँ पे एक अल्किन इसका तो कोई आइसोमर बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइनली कितना प्रोडक्ट बना, तीन प्रोडक्ट बना, एक दो और एक तीन, तो एक दो तीन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ये तीनों प्रोडक्ट में तीनों अल्किन है, अल्किन का स्टेबिलिटी चेक कर लिया, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन कैसे चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच से। ठीक है, तो इसके पास छः अल्फा एच है, इसके पास भी छः अल्फा एच है, लेकिन ये ट्रांस है और ये सिस है, तो हमने कहा था कि ट्रांस का स्टेबिलिटी सिस के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, तो देखो ट्रांस का ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया सिस के रेस्पेक्ट में और इन दोनों से तुम्हारा कम हो गया इसका, क्यों, क्योंकि इस अल्किन के पास सिर्फ दो अल्फा एच है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों का स्टेबिलिटी हमने डिसाइड कर दिया, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन एंड सी। अब देखो अब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है तो सबसे ज़्यादा बनेगा भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बना और तीनों एक दूसरे का क्या है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर है जिसमें से एक डोमिनेंट हो गया, तो अगर एक डोमिनेट कर गया, ये वाला प्रोडक्ट डोमिनेट कर गया जो कि स्टीरियो आइसोमर है, तो हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव। मतलब ये कि जो रिएक्शन दिख रहा है इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का हो जाएगा। तो स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक से अगर ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर बनता है और उसमें कोई एक डोमिनेट कर जाता है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगता है, तब वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है,
इसको नोट कर लो, फिर हम लोग रिजियो सेलेक्टिव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसको पहले नोट करो। ओके, अभी इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन किसको हम कहते हैं? सपोज मान लो कि कोई एक रिएक्शन हुआ जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया। अब अगर वो प्रोडक्ट्स आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर स्टीरियो सेलेक्टिव था तो स्टीरियो आइसोमर, रिजियो सेलेक्टिव में किससे मतलब हम लोग का है स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना और वो आपस में क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें कि कोई एक प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाए ओवर अनदर प्रोडक्ट, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया, हमने प्रोपेन लिया, प्रोपेन को रिएक्ट करा दिया Cl2 और HNO के रिस्पेक्ट में, ठीक है? HNO के प्रेजेंट में करा दिया। देखो ये जो रिएक्शन है इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के अंदर में, ठीक है? तो अभी बस एकदम बेसिक अभी याद रखो, बेसिक से अभी तुरंत ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा लोड नहीं लेने की बात है। तो ये हमने प्रोपेन लिया, प्रोपेन को Cl2H2 से ट्रीट करा दिया, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गया। अभी दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है एक दूसरे का? पोजिशन आइसोमर, Cl वहाँ पे फर्स्ट नंबर में, Cl यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो दोनों एक दूसरे का हो गया पोजिशन आइसोमर। अब देखो ये जो सेकंड नंबर पे लगा Cl, ये ज़्यादा बन रहा है, फर्स्ट नंबर वाले का कम बन रहा है। अब ये क्यों? इन दोनों का इंटरमीडिएट हमने बनाया, इंटरमीडिएट जो होगा वो इस तरह का इंटरमीडिएट, रेडिकल इंटरमीडिएट होगा। तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल बना, यहाँ पे 1 डिग्री रेडिकल बना। तो फ्री रेडिकल का जो है हम लोग कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो यहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया 6, वहाँ पे अल्फा एच कितना हो गया 2, ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा ये? अगर इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो इससे बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? ज़्यादा बनेगा, इसलिए तुम्हारा ये ज़्यादा है और ये कम है। तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल से हमने यहाँ पे क्लियर किया कि कैसे यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना, दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें कि ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा बन रहा है देन दिस प्रोडक्ट, और इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, रिएक्शन होगा रिजियो सेलेक्टिव नेचर का, ठीक है? इसको आपको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग बेसिक टाइप्स ऑफ एल्केन जैसे कि सेजेफ एल्केन, हॉपमेन एल्केन के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।